बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सैयदना मुहम्मद अम्मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि बलूचिस्तान के अंदर कल परसों एक तूफ़ान आया है। वो तूफ़ान इतना शदीद था कि वो सुर्ख रंग में तब्दील हो गया। मेरे नाज़रीन, इससे पहले मैंने सुर्ख तूफ़ान और आंधी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने यानी कि लाइक किया और देखा। तो मेरे नाज़रीन, मैंने उसमें बताया था कि कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है सुर्ख आंधियों का आना और जलजले आना और ज़मीन धंस जाना। ये हदीस में मौजूद है, आपके सामने ये हदीस भी चल रही है, देख लें। मुख्तसर सा खाका पेश करूँगा हदीस का एंड से। तो मेरे नाज़रीन, हदीसों में है जब सुर्ख आंधियाँ और तूफ़ान आएंगे, ये कुर्ब क़यामत की निशानी है और हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की भी ये निशानी है। तो मेरे नाज़रीन, पहले चाइना के अंदर सुर्ख तूफ़ान आया तो कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किए, सारे नहीं, कुछ लोगों ने कहे जी अपना फेक है, ये है। आज मैं जो आपके सामने वीडियो पेश करूँगा, जो बलूचिस्तान के अंदर तूफ़ान आया है, आप देखेंगे खुद कि वो बिल्कुल जेन्युइन है। पहले उस तूफ़ान का रंग किस तरह होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो सुर्ख हो जाता है। तो मेरे नाज़रीन, कुर्ब क़यामत की निशानियाँ यके बाद दीगरे बहुत तेज़ी के साथ पूरी हो रही हैं। ज़मीन धंसना और सुर्ख आंधी आना, तूफ़ान आना और जलजले, और ये बड़ी निशानियाँ हैं कुर्ब क़यामत की। अगर हम देखते हैं तो हदीसों के मुताबिक तो ये कुर्ब क़यामत की निशानियाँ तो हम लास्ट टाइम में जी रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने मुझे कमेंट किया और उन्होंने कहा कि फेक है, आज ये वीडियो देखें, वो जो बलूचिस्तान से आई है कल परसों की, ये बिल्कुल ताज़ा वीडियो है। आप हैरान होंगे इतना शदीद तूफ़ान और वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो सुर्ख होता है। तो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि तमाम मुसलमानों तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं, जो कुर्ब क़यामत की अलामत हैं जो आपने बताई हैं, वो पहुँच जाए, ताकि मुसलमान जो है अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह को राज़ी करें। आइए उस वीडियो को देखते हैं, देखें कैसे वो यानी तूफ़ान जो है वो सुर्ख हो गया। आइए देखते हैं वीडियो को। तो नाज़रीन, आपके सामने वीडियो आ गई, देखें। ये बलूचिस्तान के अंदर ये तूफ़ान आया, बहुत शदीद तूफ़ान था और इसने आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदलना है। आपके सामने ये वीडियो चल रही है, ये फेक नहीं है। अब जो लोग कहते हैं कि आप फेक वीडियो भेजते हैं, ये कल परसों की वीडियो है, ये देखें आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग बदल रहा है। जो हदीसों में हमें बताया गया है सुर्ख रंग का तूफ़ान और सुर्ख रंग की आंधी, अल्लाह के नबी की हर बात मेरे नाज़रीन पूरी होनी है जो आपने पेशनगोइयाँ फरमा दी हैं। ये देखें इसका रंग, देखें कैसे तब्दील हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सुर्ख हो जाएगा। अब बताएँ, जो हदीसों में हमें बताया गया है अल्लाह के रसूल की तरफ से, क्या वो पूरा नहीं हो रहा? तो हदीसों में ये बताया गया है सुर्ख तूफ़ान, सुर्ख आंधियाँ, ये देखें कैसे इसका रंग बदल रहा है, अल्लाह के नबी की कही हुई हर बात पूरी होनी है। तो हम लास्ट टाइम में जी रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें और इस्तग़फार की कसरत करें। तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।